हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार देखो, बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर मूवी को चेकआउट किया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा होगा। इसका एक ही रीजन होगा कि भाई ये हिंदी में अवेलेबल नहीं थी, बट अब ये हिंदी में भी अवेलेबल है। मैं बात कर रहा हूँ जॉन विक की छोटी बहन एटॉमिक ब्लॉन्ड। ये मूवी आपको हिंदी में एकदम फ्री में देखने को मिलती है। ओवरऑल लेंथ 1 आवर 54 मिनट की है और मूवी की कहानी फोकस करती है एक MI6 की एजेंट जिसका नाम है लोरियन, जिसको एक मिशन पे बर्लिन भेजा जाता है। अब वो मिशन क्या है, फिर उसके बाद कैसे वहां पर जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है डेविड पर्सिवल से, यानी कि जेम्स मैकोवी से, और उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आती है, जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आपको इतना गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपको जॉन विक मूवी बहुत पसंद है तो समझ लो कि भाई ये मूवी आपको और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ऑल दो ये मूवी कहीं से भी जॉन विक से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जिस टाइप के एक्शन, जिस टाइप की सिनेमाटोग्राफी, जो जो चीज़ें आप लोग यहाँ पर फील करोगे ना भाई, आपको एक अलग ही जोन में लेके जाएगी। उसके अलावा मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो देखो, यहाँ पर ज़्यादा कैरेक्टर्स तो है नहीं, ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी है, लेकिन जिस तरह से हर एक कैरेक्टर को लिखा है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लिखा, और 2 घंटे के लिए आप जगह से नहीं हिलोगे बना हुआ है। उसके अलावा मूवी की सिनेमाटोग्राफी की बात करूँ तो भाई, यहाँ पर डायरेक्टर डेविड लीची ने 2 अलग अलग कलर्स में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें कहने की कोशिश की है, यानी कि यहाँ पर आपको ग्रीन और रेड, ये कंटिन्यूस ये दोनों ही कलर आपको पूरी थ्रू आउट द मूवी में देखने को मिलेगी। और आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कलर्स आखिर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी डायरेक्टर इन सारे कलर्स के साथ खेलते हैं तो वो हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा एक्शन की बात करो तो यार, ओ हो, जिस लेवल के एक्शन यहाँ पर देखोगे ना आप, मज़ा आ जाएगा। और उस पर चार्लिज थेरॉन उस एक्शन को इतना अच्छी से परफॉर्म कर रही थी कि यार मजा आता है यार। और मूवी की कहानी की बात करते कि यार, कहानी में इतना नयापन तो नहीं था, लेकिन जिस तरह से एग्जीक्यूशन था ना, और उस पर जो BGM डाला था फर्स्ट सीन से लेकर यार मूवी स्टार्ट होने के कुछ 1-2 मिनट के बाद ही आप पूरी तरह से मूवी से जुड़ जाओगे। और वो जो एक बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है ना, क्या बोलूँ यार, वो आपको पुराने ईरा में लेके जाएगा। ऑल दो ये मूवी की कहानी सेट है 1989 में, जहाँ पर बर्लिन में एक बैकग्राउंड में अलग तरह का वॉर चल रहा था, जिस वॉर को भी आप लोग इस पूरी मूवी में फील कर सकते हो। और इसके अलावा मूवी की एडिटिंग की बात को तो अच्छी तरह से एडिट किया, मतलब कैसे भी कोई चीज़ बोर नहीं लगती है। और ये डायरेक्शन डेविड लीची का बहुत ही गजब का डायरेक्शन है यार, मज़ा आ गया भाई, क्या बोलूँ तुम लोग को। पैरेंटल गाइडेंस की बात करो तो देखो यार, मूवी में आपको जम के न्यूट्रिटी की सीन्स, सेक्सुअल सीन्स देखने को मिलेंगे, तो इसलिए यह आप अपने घर वालों के साथ नहीं देख सकते। लेकिन सालो, अगर तुम लोग एक स्पाई थ्रिलर, ऐसी एक्शन थ्रिलर देखने जाते हैं जो मतलब आपको एज ऑफ द सीट रखे, तो भाई ये तुम लोग के लिए है, जाओ टूट पड़ो। मैं आपको इतना ही कर दूं कि भाई अब लोकी देखेंगे अपन दोपहर को, और उसका भी रिव्यू करेंगे। तो यार टिल देन बाय।